और इधर कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि न्यूनतम आय गारंटी योजना का जो निर्णय लिया गया उसकी जानकारी श्री राहुल जी पूरे देश को दी कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस पार्टी पूरे देश को जो गरीब हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनको सालाना 72,000 रुपये उनके खाते में प्रदान करेगी, जिनका नाम है न्यूनतम आय गारंटी योजना। इस योजना के तहत जो गरीब रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे लोग उनमें 20% लोगों को यह लाभ मिलेगा और शहरी देहाती दोनों क्षेत्रों के जो गरीब हैं उनके उनसे लाभान्वित होंगे। और यह जो पैसा है परिवार के महिला मुखिया हैं उनके खाते में सीधे पहुंचेगा, महीना 6,000, सालाना 72,000। एक प्रश्न है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके वित्त मंत्री अरुण जेटली, अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये बताएं कि कांग्रेस पार्टी का न्यूनतम आय गारंटी योजना प्रदान करने की घोषणा की है, सत्ता में आने के बाद इस योजना से क्या मोदी जी सहमत हैं, वित्त मंत्री जी सहमत हैं या फिर बीजेपी के लोग सहमत हैं? इन्होंने ये सवाल करा है बीजेपी से। बीजेपी के लोग इस योजना से अपनी सहमति नहीं बताए हैं। समस्या हम बीजेपी की समझ सकते हैं, जब कभी गरीब को कुछ लाभ मिलने की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी किसी गरीब को लाभ पहुंचाने का प्रयास करती है, प्रदान करती है, तो हमेशा बीजेपी उसका विरोध करती आई है और ये हमेशा से देखना है। इस तरह से न्यूनतम आय पर कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने बहुत बातें कही और ये लगातार बीजेपी को दिखाते रहे कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा झूठ बोलती है, भरमाती रहती है और यह सब कोई जान चुका है और इनकी विदाई होना तय हो गया है। निर्णय लिया जिसकी जानकारी स्वयं राहुल जी ने पूरे देश को दी कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस पार्टी पूरे देश के जो गरीब हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनको सालाना 72,000 रुपये उनके खातों में प्रदान करेगी, जिसका नाम है न्यूनतम आय गारंटी योजना। इस योजना के तहत जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन लोग कर रहे हैं उसके 20% लोगों को यह लाभ मिलेगा और शहरी और देहाती दोनों क्षेत्र के गरीब जो हैं इसके लाभान्वित होंगे। और ये जो पैसा है परिवार की जो महिला मुखिया हैं उनके खाते में सीधे पहुंचेगा, महीना 6,000, सालाना 72,000। हमारा एक प्रश्न है, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, उनके वित्त मंत्री जेटली जी, अमित शाह जी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, कि कांग्रेस पार्टी ने, राहुल जी ने जो ये न्यूनतम आय गारंटी योजना प्रदान करने की घोषणा की है सत्ता में आने के बाद, इस योजना से क्या आदरणीय मोदी जी सहमत हैं, आदरणीय वित्त मंत्री जी क्या इस योजना से सहमत हैं, या क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय वित्त मंत्री जी इस योजना से असहमत हैं? क्योंकि 24 घंटे से ज़्यादा बीत चुका है, बीजेपी के लोग इस योजना से अपनी सहमति नहीं बताए हैं। समस्या हम बीजेपी की समझ सकते हैं, जब कभी गरीब को कुछ लाभ मिलने की बात आती है, कांग्रेस पार्टी जब कभी गरीब को कोई लाभ पहुंचाने की प्रयास करती है, प्रदान करती है, तो हमेशा बीजेपी उसका विरोध करती रही है, अतीत में भी करती रही है। और इसीलिए बीजेपी की खामोशी और बीजेपी के द्वारा जो लोगों के द्वारा जो बयान दिए जा रहे हैं यह स्पष्ट दिखाता है कि बीजेपी सिर्फ रईसों के, कुछ चंद रईसों की ही पार्टी है, गरीबों से उनका कोई लेना देना नहीं। अच्छा जी, सपना चौधरी जो है कांग्रेस जवान की रसीद भी कटा उनके नाम से सब कुछ, अब फिर क्या हुआ कि फिर तुरंत हुआ, ये तो आपको उन्हीं से पूछना पड़ेगा। तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या प्रतिक्रिया है? कोई आया, हम कांग्रेस में काम करना चाहते हैं, कांग्रेस में कहा मेंबर बन जाओ, हो जाओ, कोई काम हम नहीं है, वो तो उनसे पूछना पड़ेगा ना। तो ऐसा कोई बात ही नहीं है, वो जाने, क्योंकि आप लोगों के सामने सारी चीज़ें हैं कि वो आई, ज्वाइन की, फॉर्म भरी, मेंबर बनी, फोटो लगाई, फिर वो गई, तो ये तो उनसे सवाल करिए। भारतीय जनता पार्टी विजय संकल्प सभा का जगह जगह आयोजन कर रही है, उसके क्या काम है? किस बात के विजय संकल्प सभा? बीजेपी तो सिर्फ और सिर्फ झूठा प्रचार करती रहती है, उसे लोगों को भरमाती रहती है और हर कोई ये जान चुका है। अब बस विदाई का समय आ गया है, 50 दिन बचा है,
अब थैला उठा करके फकीर साहब को अब जाना है, क्योंकि बहुत झूठ बोला, बहुत बेवकूफ़ बनाया इस देश की जनता को, भोली भाली जनता को, बड़े झूठे सब जवाब दिखाए। अब जनता बहकावे में नहीं आने वाली, उसे अब इस बात की खुशी है कि 40 दिन 45 दिनों के बाद ये बोझ बनी आदरणीय मोदी जी की सरकार से उसे अब निजात मिल जाएगा। सर राजभर की कुछ बात चली है क्या कांग्रेस से? राजभर की बहुत लोग संपर्क में कांग्रेस पार्टी के, कई बीजेपी में के भी तमाम नेता, बीजेपी के तमाम अलायंस पार्टनर भी कांग्रेस पार्टी के संपर्क में हैं। अब निर्णय कब क्या होता है उसका इंतजार की बात की राजभर से। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि बहुत लोग संपर्क में हैं, जब निर्णय हो जाएगा तो आपको उसकी जानकारी दे दी जाएगी। अभी योगी जी ने कहा है कि मंदिर मुद्दे पे कि कांग्रेस जो है मंदिर न बनने पाए, इसके लिए वकीलों का एक लंबा फौज खड़ा कर लिया है, इस पे क्या है? मुद्दा ये है कि भाई तुम सत्ता में हो, 5 साल दिल्ली में, 2 साल से यूपी में, आप अपने काम बताओ ना, आप बताओ ना अपने काम क्यों नहीं बता पा रहे हो। आज तक किसानों का ऋण माफ नहीं हुआ, 2 साल हो गए, अभी भी 7वां 8वां किस्त चल रहा है, चरण चल रहा है। आप अपने सरकार के कामों के जिक्र करिए ना, माननीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, जिसलिए आप सत्ता में आए थे, जो वादे किए थे, उसका बताइए बखान में। क्या कोई फौज है क्या वकीलों का आपके पास? मैं उन सब चीज़ों पर नहीं जाना चाहता। आप सरकार में सत्ता में बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी मिली, आपकी जवाबदेही, आप जवाब दें, बताएं कि कौन कौन काम आपने किए, वादे जो किए थे उसका क्या हाथ है।